आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, यदि एक धनात्मक आवेशित पेंडुलम एक समान विद्युत क्षेत्र में चित्तानुसार दोलन करता है तो इसके आवर्तकाल की तुलना जब ये अनावेशित है तब के आवर्तकाल से होगी, अधिक होगी। आपको ऑप्शन दे रखे हैं जो चार, अधिक होगी, कम होगी, कोई परिवर्तन नहीं, पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो इस कंडीशन को देखें अपन, तो आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से है। जब आपका अनावेशित है, मान लीजिए पहला केस लें कि आपका जो पेंडुलम है वो अनावेशित है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित, ठीक है। तो उस समय आपके पास सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है अंडर रूट 2πL/g, ठीक है, एल बटे ये हो जाता है आपके पास पेंडुलम का टाइम पीरियड, जब क्या होता है ये अनावेशित होता है, ठीक है। लेकिन जैसे आवेशित होगा, ठीक है ना, आवेशित होते ही क्या होगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस वाले पर क्या लगेगा, बल लगने लग जाएगा आपके पास, किस दिशा में, इस दिशा में, है ना, और कितना लगेगा, एफ बराबर क्यू ई के, ठीक है। तो एफ बराबर अगर क्यू ई बल लग रहा है आपके पास, ठीक, तो एफ बराबर एम ए, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई बटे एम, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास नियत है, मास भी नियत है और चार्ज भी नियत है, यानी कि एक्सेलरेशन आपका नियत है, यानी कि इस केस पे जो बल लग रहा है, एक तो लग रहा है mg और ऊपर जो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स fe, ठीक है ना। तो नेट फोर्स हो जाएगा f नेट, या आपके पास जो एक्सेलेशन होगा डायरेक्ट उसको भी निकाल सकते हो आप। यहां से अगर बोलें कि इधर एक्सेलेशन नीचे की ओर क्या कितना आपके पास g है और ऊपर की ओर जो आपका एक्सेलेशन है ना वो कितना है, इसका आवेश कितना दे रखा आपको, सॉरी आवेश आपके पास q है सी, तो ऊपर की ओर एक्सेलेशन होगा qe बटे एम, है ना, ये नीचे की ओर डाउनवर्ड और ये ऊपर की ओर। तो इस फॉर्मूले में जो आपके पास टी बराबर 2πL/g, तो एल एल इफेक्टिव होता है और जी की जगह अपन जी इफेक्टिव लिखते हैं। तो इस केस में जब जी इफेक्टिव लिखोगे, है ना, तो यानी कि नीचे की ओर तो जी है सी, तो जी इफेक्टिव का जो मान आएगा आपके पास वो आ जाएगा जी माइनस क्यू ई बटे एम, है ना, ठीक है। जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का वो लिखा होता है टी बराबर 2πL/g, ठीक। तो जी इफेक्टिव का मतलब जो आपके पास का कुल त्वरण है, एक तो क्या लग रहा होगा इस पर, mg लग रहा होगा नीचे की ओर दिख रहा है आपको, और दूसरा क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वजह से भी आपके पास त्वरण आ रहा है ए। तो त्वरण निकाले नहीं, कुल त्वरण, तो इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये बचेगा, तो नया टाइम पीरियड हो जाएगा आपके पास टी बराबर 2πL/g, जी की जगह आएगा जी माइनस ई बटे एम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर g की वैल्यू पुराने वाले से कम है, मान इसको टी डैश बोल देते हैं, यानी कि इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हो टी डैश का मान ज्यादा होगा टी से, यानी कि आपके पास आवर्तकाल की वैल्यू में क्या होगी, आपके पास अधिक होगी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।